पता नहीं ये देगा कि नहीं देगा। मेडिकल आ रही है ट्रबल गाइस। ये थोड़ा माइक के इशू की वजह से मैं भूल नहीं रहा था, तो मगर कोई बात नहीं, अभी ठीक हो चुका है। तो गाइस जैसे कि हम बात करें, अभी तक फिलहाल कोई पत्थर मशीन नहीं है, तो जैसे कि देख रहे हैं कि IGZ की टीम ने उनको काफ़ी ज़्यादा अपना काबू को के एक प्लेयर नॉक कर दिया है, उनको भी ढूंढेंगे बाद में। तो गाइस इनकी बात करते हैं कि INDI गौतम भैया की तरफ थोड़ा नज़र मारते हैं। टीम नंबर 7 की तरफ से तो कोई दिखता नहीं। टीम नंबर 7 और टीम नंबर 16 के बीच में लड़ाई होने शुरू हो गई है। टीम नंबर 7 और टीम नंबर 16 के बंदों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लग रही है बसट, और उन्होंने एक बंदे को उनके नॉक कर दिया और उनको ऊपर नेड करके
आगे बता रहे हो तो गाइस आगे चलते हैं। तीन नंबर साथ चर्सी सर, चर्सी सर के प्लेयर काफ़ी ज़्यादा नॉक हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको डर भी लग रहा होगा। और उनके दो प्लेयर चर्सी अंशु और चर्सी राज भी नॉक हो गए, और क्रीड क्यूरियस और चर्सी SSR भाई दोनों बचे हैं और उन्होंने कभी कोई नॉक नहीं निकाला है। अरे अभी कवर बना रहे हैं अपनी तरफ से बहुत बढ़िया। किंग्स टीम की तरफ थोड़ा देखेंगे तो किंग्स टीम अभी बैठी हुई है, अभी अपना चार ये अभी अपनी रोटेशंस पे ध्यान दे रही है। तो गाइस टीम नंबर 15 गाइस पिछली बार करना, इस टाइम भी उनको लगता है कि जोन की तरह से डैमेज लेंगे तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा उनके लिए। उसी तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी, वही जाने क्या स्ट्रैटेजी है तो क्या नहीं। तो टीम नंबर 15 अपनी टीम को इकट्ठे कर रहे हो और यहाँ पे जोन के बाहर ही उन्होंने अपना काम चल रहा है। तो गाइस ध्यान देते हैं कि टीम नंबर 4 पाटन गोलू जी के ऊपर। तो गाइस पाटन गोलू जी काफ़ी भी M249 लेके M249 और मिनी से पता नहीं कौन से क्लच मारेंगे, अभी हम देख लेंगे बाद में। और टीम EC की बात करें, उनके रे गॉड ने भी रोटेशन देना शुरू कर दिया है। रे गॉड और उनके साथ बैठे हैं टीम रे गॉड और टीम कह रहे जायरो गॉड। नोमैडो टीम रिवेंट भी पीछे उनके साथ उनका सेव देते हैं और हर्षु टिक्को भाई उनके साथ बैठ के आगे जा रहे हैं। और आगे बात करें ट्रिंक क्यूरियस और चर्सी सर, उनका जो फिफ्थ प्लेयर था उनका मतलब अगर फोर्थ प्लेयर नहीं कह रहा तो उन्होंने फिफ्थ प्लेयर सब्स्टिट्यूशन को अपने ऐड किया है। और वाइकिंग्स की तरफ से देखे जाए तो वाइकिंग्स पिछली मैच में नहीं खेले थे टॉन्टिक, तो मगर इस बार खेल रहे शायद उनका नेट इशू, तो जहाँ पर उनका मैप इशू हो सकता है टॉन्टिक भी नहीं खेले। तो गाइस अगले मैच करते हैं रशु इनसेनो वेस, रशु और वैम्पायर सूफियाना की तरफ थोड़ा रुख करेंगे अपना। तो गाइस इनसेन सूफियाना और वाइट इन ओशियाना को देखेंगे तो बस बेहतरीन स्प्रे पड़ा है भाई साहब, बेहतरीन स्प्रे पड़ा है टीम नंबर 5 की तरफ से काफ़ी। और यहाँ पे टीम ओवेस क्यूरियस और जैसे कि आप देख रहे हैं टीम ओवेस क्यूरियस के बीच में काफ़ी इसी के रेगॉर्ड ने उनको स्पॉट के लिया है शायद, मगर हर्षुल टिको नीचे से अपना कवर संभालते हुए आगे करके पुश और जैसे टीम ने उनको स्पॉट कर लिया गया है उनको थोड़ा करने का बंद। और यहाँ पे बेहतरीन रशु ने उनको इनसेन ओवेस को नॉक कर दिया और रशु ने उनको भी नॉक किया, स्नैक्स को कर दिया। तो बढ़िया स्नैक उन्हें स्पॉट कर लिया गया है टीम रेगॉर्ड ने, रेगॉर्ड ने उनको स्पॉट कर लिया है। तो अभी देखते हैं क्या। मगर ये कुछ तो यहाँ पे उनके स्नैक्स को नॉक कर दिया और उनको नेड से नॉक करने के बाद उनको पूरा फिनिश कर लेंगे। और स्नैक्स को बाय टीम रेगॉर्ड ने उनको पूरा स्नैक पेल दिया, पूरा मतलब आधा भी नहीं छोड़ा, पूरा पेल। और वैम्पायर सूफियाना की बात करें तो वैम्पायर सूफियाना काफ़ी दूर जाके बैठ गए हैं उनकी टीम के, इनसेन ओवेस वहीं पे हैं और वो लंगड़ाते हुए अभी हाथ लगवाएंगे वो किसी से अपने पीछे। जैसे ही हाथ लगवाएंगे वो तो फिर उनको भाई रशु भैया ने उनको बेहतरीन तरह से स्मोक दे के उनको अभी और वेस की तरफ भागे और उन्होंने काफ़ी अच्छा बैठ दिया। मगर टीम इसी रिवेंट ने उनको स्पॉट कर लिया है, मगर कोई फ़ायदा नहीं, उनका रेगॉर्ड को उनको पुश करना पड़ेगा नहीं तो उनको रिवाइव मिल जाएगा। और टीम रेगॉर्ड ने उनको पुश किया, जैरो गॉड ने उनको जैरो गॉड की बात करें तो जैरो गॉड ने भी देख लिया उनको, मगर ओवेस ने भी हील नहीं किया है, पता नहीं ओवेस क्या हील कर रहा है। मगर ये क्या देख रहे हैं उनको भाई साहब का तेही जहर स्प्रे पड़ा है। और वैम्पायर सूफिया ने काफ़ी बेहतरीन कवर देकर रशु को नॉक कर दिया है भाई, रशु को उनको कवर देते हुए बेहतरीन। मगर ये क्या देख रहे हैं भाई टीम इवेंट के इवेंट में, और रेगॉर्ड ने उनको भाई कहते ही उनको भाई घेर लिया हुआ, पूरा घेर चुके हैं भाई। अब देखो उनकी तरफ से क्या दिखा देते हैं, और इवेंट ने उनको काफ़ी ज़्यादा देख लिया और उन्होंने पुश भी डाल दिया है और बेस की तरफ भाग के उनको नॉक करेंगे। वैम्पायर सूफियाना ने रेगॉर्ड को नॉक कर दिया है, बहुत बढ़िया, कतई जहर खेल रहे हैं, उनके रेगॉर्ड को नॉक कर दिया है। और ये बेहतरीन उनके अब उनके जहरो गॉड भी नॉक हो चुके हैं और उनके दो टीम नॉक हो गई है, उनके भी एक प्लेयर डॉक्टर। मगर क्या टीम डिमांड, क्या पता है कि क्लच निकाल पाएंगी या फिर उसको पूरा नॉक करने के बाद उनको रिवाइव दें। मगर उन्होंने क्या पता नॉक करके नॉक वालों को उन्होंने अपने रिवाइव देने का सोचा, मगर क्या देखते हैं क्या ये रिवाइव दे पाएंगे या हम देखेंगे गाइस। तो खैस आगे बात करें, मेरे को लग रहा है टीम वी इनसेन ओवेस भैया को रिवाइव दिया जा रहा है,
मगर वंपायर सूफियाना सोचेंगे कि अभी उनको रश कर देना चाहिए था तो काफ़ी, मगर इनके टीम के रशू भाई भी नॉक पड़े हुए हैं। काफ़ी बेहतरीन फाइट, मगर उन्होंने आगे से मोली डाल चुके हैं और ये बेहतरीन बचे हैं, मगर इनसे इनोवेस भाई रेगॉर्ड ने उनको फिर के रेगॉर्ड को भी रिवाइव मिला जा रहा है। तो रेगॉर्ड को भाई कौन रिवाइव दे रहा है, टीम रिवेंट टीम ये श्रीमंट उनके रिवाइव दे रहे हैं। और यहाँ पे जैरो गॉड उनके ऊपर नेट पे नेट मोली कर रहे हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो पीछे बैठे हुए तो गाइस आगे चलते हैं। उनको रिवाइव देकर काफ़ी बेहतरीन नॉक निकाला और इनसे इनोवेस को नॉक किया और उनको भाई एक नेट से बचे होते हैं। यहाँ पे जैरो गॉड को नॉक कर चुके हैं रशू ने जैरो गॉड को साथ साथ टीम डिवेंट को भी नॉक करके, और यहाँ बेहतरीन क्लच देखने को मिल चुका और यहाँ पे पूरी टीम ये बाहर हो चुकी है। और यहाँ पे रशू भाई अपने आप को हील कर रहे हैं, मगर ये क्या देख रहे हैं, टीम 13 ने उनकी तरफ से स्लैमिंग देने की कोशिश की है, मगर उनको क्या पता है बहुत दूर है और पार्टन गोल्ड भी उनके आसपास दिख रहे हैं, मगर ये कहाँ से निकल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई टीम की रोटेशन कोई पता नहीं उनको कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस यहाँ पे टीम किंग्स ने अभी तक हाई सैन मार्टिन के आसपास के कंपाउंड्स लूटे हुए हैं। और आगे देखेंगे गाइस, तो गाइस आगे बात करेंगे हम टीम किंग्स के ऊपर, पार्टन गोल और टीम्स किंग में भी शायद स्पॉट कर लिया गया है किंग्स की तरफ से, और किंग्स के सिर्फ चार ओवर। टीम किंग गार्ड भाई अपनी बस निकालते हुए और उनके जैक सॉप्टिक भैया बस निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं। और एक्सटिंक्ट गुरुजी ने भी उनको शायद स्पॉट कर लिया गया उनको स्पॉट तो कर लिया गया, मगर यहाँ का देख रहे हैं अम्मी रशू भाई ने यहाँ पे टीम रशू भाई के 5 किल होने के भाव। आगे देखते हैं उन्होंने किसको नॉक करते हैं किसको नहीं नॉक करते हैं। तो यार बात करेंगे टीम जोकर भाई के बंदे को नॉक करिए यार, जोकर भैया के बंदे। और यहाँ पे देखा जा रहा है तो जोकर भैया रिवाइव देते हुए अपने टीम में ही टाइमजी डार्क लॉर्ड को रिवाइव देते हुए, मगर यहाँ पे क्या उन पे नेड़ बरसाए जा रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं टीम रशू साइड से अपनी तरफ से फ्लैग मार के पूरा उन्होंने देखा, मगर उन्होंने बेहतरीन उनको रोका स्पॉट किया और बेहतरीन नॉक की निकाला उन्होंने बहुत बढ़िया, मगर जोकर को भी करे और उनकी पूरी स्क्वाड ऑल डन होने वाली। टीएस बिल्ला देखते हुए क्या एक देख रहे थे उन्होंने बेहतरीन, और ये क्या देख रहे हैं भाई बेहतरीन भाई रशू भैया ने 2 किल निकालने के बाद एम टी जेड टीम को बाहर निकालते हुए, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया कतई जार खेल रहे हो भाई तुम लोग सब कतई भाई। और यहाँ पर टीम ने कशी क्रीड भाई चर्सी टीम की तरफ देखा जाएगा तो क्रीड को सूर्य जैसे रोटेशन करना शुरू कर दिया है। आईटी डिमोन्स की तरफ से निकल रहे हैं आईजीटी जेंड और अनस्टेबल गनर और टीएस रेंगार की टीम के साथ से बाहर निकल गया। और यहाँ पे देख रहे हैं अल्केन ने पूरी स्क्वाड को भाई कत्ते ही जहर खजूरिया भाई को पूरे को भाई टीएस रेंगार और टीएस रेंगार के 15 नंबर की टीम के ऊपर थोड़ा नज़र 14 नंबर की टीम और टीम रेंगार ने भाई साहब कत्ते ही जहर नेट चलाए हैं यहाँ पे और नेट से उनको नॉक करके फिनिश डाल दिया है। बहुत बढ़िया भाई रेगार आपके नेट, आप तो बहुत बड़े बमबाज निकले भाई साहब कतई बमबाज। और यहाँ पे लूसीफर प्रतीक और एनटीबी देवा निकल गए हैं अपने रोटेशन को ध्यान देते हैं और यहाँ पे इनको रोटेशन से बाद में बात करेंगे, मगर इनको क्या पता आगे इनको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज मिलने वाले हैं। मगर जैसे देखो अंतर आते हुए तो उनके पीछे से टीम नंबर 7 के भाई साहब 3 नंबर 7 के कुर्सी चर्सी भी है भी उनके पीछे से आते हुए और विलियन की टीम ने उनको शायद में भी स्पॉट कर लिया होगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लूसीफर भैया लूसीफर ने कतई जहर से स्प्रे दिया है मगर कोई फ़ायदा नहीं, और उनको मैं वैसे स्कोप ऑन करके स्प्रे दे देना चाहिए था ताकि वो नॉक हो, मगर क्या भाई 12 नंबर बहाना की टीम कौन क्योर भैया कौन करे एससी कौन करे ने उनको स्पॉट किया और काफ़ी अच्छा हद तक डैमेज दिया। मगर यहाँ पर क्या देख रहे हैं टीएस के प्रतीक भाई भी भाई नॉक हो चुके हैं, नॉक नहीं मगर हीलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एनटीबी देवा और प्रतीक कुच्चा पुच्ची चुम्मा चाटी चल रहे हैं यहाँ पे कि भाई छोड़ के बंदे मार लो भाई पहले। और रेगार की बात करें ये रेगार घेर टीएस घेर भैया का तेज जहर मिनी चला रहे हैं और भाई पता नहीं अभी क्या बारे, मगर यहाँ पे उनको क्या पता भाई पिछले मैच कल के चिकन डिनर के हकदार वाइकिंग्स के थॉन्टिक भैया को स्पॉट कर चुके हैं यहाँ पे टीएस घेर भाई।
उनकी तरफ से दोनों तरफ से स्प्रे आ सकता है अगर उन्हें अपना कवर छोड़ा, मगर फिर भी कोशिश करेंगे पीछे भाग कर उन्हें अपनी जगह छोड़ने की कोशिश की। चर्सी एसएसआर भाई साहब कते ही जहर खेल रहे हैं भाई यहाँ पे, तो ओवरऑल काफ़ी भसड़ मच चुकी है। ओवरऑल में तो कुछ नहीं है, बस यहीं पे सारे इकट्ठे हो चुके हैं। और गाइस अब हम बात करेंगे आगे के टर्म, और यहाँ पर देख रहे टीम टीम लूसीफर भाई ने, लूसीफर भाई ने नेड मार के उनकी पूरी टीम को उड़ा दिया है, उड़ा कह दिया है भाई काफ़ी हद तक भाई लूसीफर ने नेड मार दिया। और आगे जाके उनको देखते हैं उनको किल मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, अभी हम देख लेंगे भाई यहाँ पे। मगर उनके पीछे से रशु भाई ने पुश डाल दिया हुआ है, टीम नाइन के बंदे के पुश करते और काफ़ी बेहतरीन, और यहाँ पर स्पॉट किया और ये क्या पता नॉक निकाल देगा, मगर नॉक नहीं निकाल पाए कोई बेहतरीन कतई जाए तो नहीं कह सकते, मगर यहाँ पर नॉक निकाल दिया भाई टीम लूसीफर भाई। लूसीफर भाई ने भाई रशु को जिस वैम्पायर सूफियाना को नॉक निकाल दिया और यहाँ पर एक टीम बची, और मगर उनके पीछे स्टैंड ऑफ ने, अभी स्टैंड ऑफ क्या पता किल खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे ये आगे देखेंगे। स्टैंड ऑफ भाई अभी हील बैटल कर रहे हैं, ये भाई हील बैटल से थोड़ा बाहर आए भाई, वो जो नॉक को फिनिश करने की कोशिश करें, मगर क्या लगता है ये रिवाइव दे पाएंगे वैम्पायर सूफियाना और इनसेनो वेस, क्या लगता है इनसेनो फेस भाई अपने आप को रिवाइव दे पाएंगे। और उन्होंने बेहतरीन नॉक निकाला है भाई साहब, वैम्पायर सूफियाना को पीछे से स्पॉट किया गया है, और प्रतीक भाई के भाई साहब कहते जहर, प्रतीक भाई लगे रहो भाई गेर, और टीएस गियर ने भाई कहते ही चार नॉक निकालने के बाद, चार टीम चार प्लेयर को नॉक करने के बाद आगे देखते हैं। मगर यहाँ पे उनका एक प्लेयर जिसका नाम है टीएस लूसीफर वो पूरा नॉक एंड फिनिश हो चुका है, और वाईटी ने इन्हें के पूरी टीम को नॉक आउट निकाल दिया। बहुत सैम कहते बढ़िया अप्लाई बैंडेजेस लगाई जा रही हैं यहाँ पे तो यार सेंड ऑफ ने इनसेन ओवेस की पूरी टीम को ऑल आउट करके बाहर निकाल चुके हैं, बहुत बढ़िया सेंड ऑफ भाई, संडे ऑफ भाई सेंड ऑफ। और आगे वाइकिंग्स की बात करें तो वाइकिंग्स भी काफ़ी अच्छा हद तक प्रदर्शन दिखा रहे हैं, थॉटिक बैनेस पर कोई किल नहीं निकाले, मगर कोई बात नहीं भाई पोजीशन मैटर करती है, किल्स तो फिर देख ही लेंगे मैटर करेंगे। ऑप्टिमम किंग ऑप्टिमम के जाइज ज्यूसप्टिक को स्पॉट कर चुके हैं, मगर यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से ना, और एन टी वी प्रतीक भाई साहब टीएस प्रतीक भाई ने काफ़ी बेहतरीन एम टू फोर का नॉक निकाला है भाई साहब, फोर एक्स से नॉक निकाल चुके हैं, मगर इनके लूसीफर भाई को खो चुके हैं, और ये एक्सटेंट गुरुजी, एक्सटेंट गुरुजी को मैं कैसे नॉक कर चुके हैं, मगर यहाँ पे रॉक्स को रिवाइव मिल गया है, और यहाँ पे अभी यदा का अपनी हीलिंग करके वो निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया खेल रहे हो भाई, लगे रहो। जब हम वैम्पायर सूफियाना टीम ने बनाई की टीम की तरह रुख थोड़ा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वैम्पायर सूफियाना दो ही किंग निकाल के बैठे हैं, और यहाँ पे स्पॉट कर रहे हैं, और वाई टी की किंग मंदिर भाई, मंदिर भाई को स्पॉट करे, और भाई ऋषभ ने यहाँ पे पूरी तरीके से कतई जार से ऊपर देखे उनको नॉक निकाला है, मगर कोई फ़ायदा नहीं, मगर उनकी टीम के किंग किंग भाई के टिकटॉक भैया को रिवाइव मिल सकता है, चांस है रिवाइव मिल जाएगा, मगर कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा भसड़ मच चुकी है तो गाइस थोड़ा ऊपर का रुक कर लेते हैं, थोड़ा हवा में जाके हम थोड़ा रुक करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे एक्सटेंट की वैनम काफ़ी देर रहते हो, टीएस की टीम स्टेल्थ की टीम, और टीम ने गार ने भाई क्रिस क्रूरिक, और यहाँ पे टीम एग्जान के टीएस गियर को नॉक कर चुके हैं, बहुत बढ़िया कतई जार खेल रहे हो भाई। और यहाँ पे मुझे लग रहा है टीम प्रतीक टीएस प्रतीक ने यहाँ अपनी टीम को रिवाइव नहीं दे पाए, और उनके टीएस टीएस गियर भैया पूरे पूरे लिथाड़ दिए गए हैं, बहुत लिथाड़ दी मतलब कुत्ता बना के मारा गया उनको, कुत्ता बना के बिल्ली नहीं कुत्ता बना के मारा गया। और एन टी वी देवा ने भी सोचा है कि जोन में जाना प्रेफर करेंगे, मैं तो चाहता हूँ कि जोन में जाएंगे तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा, मगर उन्होंने जोन में जाने का प्रेफर नहीं किया, गाड़ी लेके जोन में जाने का प्रेफर करेंगे। अगर एक्स टी वन की बात करें यहाँ पे इनकी तरफ से बसड़ मर गई, और वाई टी तीनों यूट्यूब भाई की बात करेंगे उन्हें वैम्पायर सूफियाना को स्पॉट तो कर लिए, मगर स्पॉट करके क्या पता है निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे आगे देखें, मगर ये प्रतीक के सामने वैम्पायर सूफियाना का निकले क्या पता है कि निकाल पाएंगे, और बेहतरीन भाई वैम्पायर सूफियाना को पूरी उनकी टीम को ऑल ऐड करके उनको उनका ये चिकन का सपना अधूरा छोड़ के छोड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया प्रतीक भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कतई जार खेल रहे तुम लोग। और यहाँ पे एक्टिव एनम ने किंग नोप को नॉप किया है, किंग्स की टीम के एक प्लेयर को नॉप किया है, बहुत बढ़िया अनजैक उनका टीम का अनजैक को भाई रिवाइव दे दो भाई, उनके कान में हाथ लगा दो कोई भाई जल्दी लगा देना भाई, उनको दर्द बहुत होता है। और टीम वाइकिंग की बात करें तो वाइकिंग ने भी बहुत अच्छे ऋषभ भाई ने उनके नॉक निकाला है, तगड़ा नॉक निकाल चुके हैं, ऋषभ भाई ने उनके एक और प्लेयर को 16 प्लेयर के टीम पे नॉक करते हुए उनको रिवाइव मिल रहा है अभी,
अनस्टेबल गनर, अनस्टेबल भाई, स्टेबल होके खेलना पड़ेगा नहीं तो आपको बहुत बुरी हालत हो जाएगी। टीएस प्रतीक की बात करें तो भाई साहब भी अंदर जाने की कोशिश तो करेंगे कि इस बारी टीम, मगर ये क्या एंटी वी देवा को आईजी ने कतई जहर हेडशॉट मार के स्वॉट रॉक्स ने किंग ऑफ टीम की बात करेंगे तो ऑफ टीम नो फोर ऑफ टीम की बात करें तो कर किंग किस पूरी टीम को बाहर निकाल दिया है। बहुत बढ़िया वाइकिंग स्कॉट, वाइकिंग ने पूरी टीम को बाहर निकाल दिया, मगर यहाँ का स्वॉट आर डी एक्स ने पूरी टीम को बाहर निकाल दिया भाई साहब। और स्वॉट आर डी एक्स की पूरी टीम उनको वाइकिंग को पूरा स्पॉट कर लिया, क्या पता है किस किस किसका चिकन हो सकता है। ये इन चार टीमों में डिपेंड है, बाकी की टीम तो सारी बाहर हो चुकी है, बस यही चार टीम के ऊपर पूरी गेम डिपेंड है। थोड़ा ऊपर का रुख करेंगे अभी हम, मगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई बी आर डी एम भाई साहब का तेज जहर दिखे जा रहा है भाई साहब वहाँ पे, कतई जहर M24 ऋषभ को नॉक किया है भाई, कतई जहर अनस्टेबल भाई ने ऋषभ भैया को वाइट डिमोन ने पूरा खाया गया भाई, कतई जहर खेल रहे भाई लोंडे, कतई जहर खेल रहे भाई लोंडे। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं एक्सटिंग जॉक और एक्सटिंग बैनम, और यहाँ पे आई जी सेडेक्स के रेंगार भाई और यहाँ पे स्पॉट करे, और यहाँ पे रिवाइव मिला जा रहा है मंदिर भाई को रिवाइव मिल जा रहा है, मंदिर भाई हील करेंगे भाई बहुत बढ़िया, कतई जहर खेल रहे भाई। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं प्रतीक बैन आई एक्सटिंग गुरु जी को नॉक निकाला बड़े कतई जहर, मगर मैं चाहता हूँ कि टीम 13 नंबर पिया भी अपने अंदर इधर आके अपनी पूरा किल करे और खाद ने अपना जोन थोड़ा संभाल लें, नहीं तो देर हो जाएगी, तो बहुत देर लेट हो जाएगा। मगर ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे कतई जहर मैच चल रहा है, यहाँ पे टीम वाइकिंग के थॉन्टिक की तरफ चलते जिनसे हमें बहुत उम्मीद है कि इस बार वो काफ़ी बेहतरीन किल निकाल पाएंगे, मगर उन्हें निराशा जबकि कोई किल नहीं निकाला है। मगर ऐसे कि गोस्ट भाई गुरुजी को भाई साहब गुरुजी ने अपनी तरफ से पूरा स्मोक किया और एम्बर स्मोक करके, और ये के भाई कटे ही जहर खेल ले भाई, स्वॉट अडॉस को नॉक किया, स्वॉट अडॉस ने बाइकिंग के मंदिर को नॉक किया, और यहाँ पे स्वॉट पूरी टीम को ऑल्डर किया है भाई, कटे जहर रंगा टीएस रंगा बहुत बढ़िया खेला। और गोस्टिंग यहाँ पे भाई साहब ये तो यहीं से ऊपर बच रही टीम वाइकिंग के खले थॉटिक बचे हैं, बहुत बढ़िया इनके तहत क्या पता मेंटेन कर पाएंगे टीम नहीं, और ये देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। और भाई कतई जहर यहाँ पे भाई हीलिंग वीलिंग करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारे यहाँ टीम देव प्रतीक भाई, और ये आईजी एंजा की टीम को पूरा लेथाने की कोशिश करेंगे, मगर उनको पता भाई पूरा थॉटिक को पूरा खाना है भाई, देवा भाई की थोड़ा रुक करेंगे भाई पूरा मारेंगे, मगर एंटी टी एस प्रतीक भैया को नॉक कर चुके हैं वो, और यहाँ पे पूरा फिनिश डालेंगे, क्या पता देवा भाई चिकन ला पाएंगे, उन्होंने स्मोक तो कर दिया। आई जी जेंट अपना को हिल कर रहा है, और ये सिर्फ तीन प्लेयर बचे हैं और काफ़ी तगड़ी भसड़ मचने वाली है इनके बीच में, तो भाई थोड़ा ऊपर का रश करेंगे, यहाँ पे उन्होंने पत्थर का कवर लिया है और यहाँ पे उन्होंने स्मोक का सहारा लिया है, और यहाँ पे तीन ही प्लेयर हैं, और यहाँ पे कतई जहर यहाँ पे ओपन से पुश किया जा रहा है भाई साहब ओपन से, कास्ट टी एस एन टी बी देवा उनको स्पॉट करें तो उनके सीधा ही डब्बी बनेगी उनका डब्बा, मतलब कि डब्बा कतई जहर डब्बा बनना उनका भाई साहब कतई जहर डब्बा। और उनके जोन की बात करेंगे तो कतई जहर भाई साहब दो ही टीम बचे हैं सीडियम, देवा को फिनिश डाला है बहुत बढ़िया भाई साहब, और यहाँ पे क्या लगता है कौन जीतेगा, एंटीबी जैक ने उनको स्पॉट किया है, और यह एंथोटिक चांस तो लग रहा है एंथोटिक के, मगर क्या आई जी जैटैक क्या करते हैं देखेंगे भी हम, मैंने कार नेटेटर स्पॉट किया भाई कतई जहर उनका खोपड़ा फोड़ दिया, और यहाँ पे मैच एंड भाई साहब हाँ भाई टेंथ हॉटिक ने बहुत बढ़िया चिकन निकाला है, और यहाँ पे बाकी टीम्स की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा निकाला है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, तो भाई अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर देना है। तो सत श्रीकाल भाई साहब।